बड़ौदा में हरणी पुलिस स्टेशन के पास हरणी एरिया में ये स्कल्पचर पार्क है। डू यू बिलीव ये पूरा स्क्रैप में से बना है? वी आर गोइंग टू इनसाइड एंड लेट्स सी कि पूरा कैसे प्लान किया गया है। शायद यहाँ पे किसी को पता ही नहीं, पूरी तरह से इसको मार्केटिंग नहीं किया गया है, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ये जो आर्टिस्ट है उन्होंने किस तरह से इसको अंजाम दिया है। लेट्स सी। सबसे पहले आपको एक ओवरलुक दिखाते हैं। ये हरणी लेक है, और लेक पे ही ये स्कल्पचर पार्क को आकार दिया गया है। हम जाके एक एक स्कल्पचर उसका सब्जेक्ट चेक करेंगे। सुबह की ताजी हवा के साथ चलिए एक एक जगह एक्सप्लोर करते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। बोर्ड नहीं लगा है लेकिन ये जो है ये कुछ प्लेन जैसा दिख रहा है। ये पूरा स्क्रैप में से बना है। ये देखो, पुरानी जीप है, उसके ऊपर वो बकरी बनाई हुई है। किसी राजा का निशान लगता है ये। नाम भी लिखा है विजय कदम, और स्कल्पचर आर्टिस्ट है। और ये मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, नेडियम करके है कुछ मटेरियल्स वो किया है। कैन यू बिलीव दिस ऑल आर मेड फ्रॉम स्क्रैप, आयरन स्क्रैप से बनाया। देखो वहाँ पे नंबर प्लेट भी है, थोड़ा सा जूम करके। जो भी पार्ट से ये बना होगा वो नंबर प्लेट भी दिखाई दे रहा है। सुबह का माहौल है और आप देख सकते हो कितनी शांति है यहाँ पे। पक्षियों की आवाज वगैरह आप सुन सकते हो। ये देखिए, गेस कर सकते हो क्या है स्क्रैप में से? दुष्यंत आप बताओ, गेस कर सकते हो? पगड़ी है ये, पगड़ी है ये। वाओ, स्क्रैप की पट्टियों से किस तरह से बनाया है ये। नाइस,
सभी आर्टिस्ट ने यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ढूंढ के रखा है। इस पे शायद किसी का नाम नहीं है, ये लगता है वो बुद्धिस्ट टेंपल जो होते हैं वहां पे जो शांति चक्र होता है वैसे घुमाते हैं, उस तरह का कुछ बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी कुछ विंड डायरेक्शन में कुछ पंखों से बनाया हुआ है, स्क्रैप का कुछ। और उससे सी दैट्स नाइस, वाओ। ये हरणी लेक में आप देख सकते हो पूरी जैसे चादर बिछी हुई है, लोटस पूरा वहां से पूरा आप देख सकते हो। थोड़ा क्लोजअप करके दिखाऊं आपको, बहुत ही अच्छी जगह है। नाइस, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे सब जगह पे आर्टिस्ट का नाम नहीं लिखा है जो लिखना चाहिए, क्या अफलातून बनाया है। ये कुछ प्राणी जैसा बनाया है या गेंडा जैसा लग रहा है। थोड़ा दूषण, आप क्या बोल रहे हो? ये जो किचन के रैक होते हैं ना, इस तरह से कुछ लग रहा है, उसमें से ये पूरा दिल बनाया है। दिल भी लग रहा है और एप्पल भी लग रहा है। नाइस, सबको जरूरत पड़ती है भाई। क्रैप में से कितनी डिजाइनर बैग बनेंगी।
मेरा जनरेटर जैसा कुछ लग रहा है। नीचे कुछ उसके व्हील्स जैसा लगा है। एक्चुअली सारे कल्चर कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गेंडा बना है उसमें बीच में कुछ टम्बलर जैसा रखा है सारे स्ट्रिप के ऊपर से। छोटा सा बुलडोजर सी। और वो देखो, वो कुछ एक गेम आती थी छोटी वीडियो गेम, उसमें वो बग्स जैसा आता था, वो पूरा जिगजैग पे घूम के फिर उसको वो बग्स खाते थे, उस तरह से कुछ लग रहा है। हम आगे वहाँ पे भी देख रहे थे, बहुत ही एक बढ़िया आगे स्कल्पचर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुछ नया है। वो भी सबके घर में होता है और सबकी ज़रूरियात भी होती है। देखते हैं आगे क्या है वो। This is a concept of balancing. Sitting arrangement bhi bahut hi achhi bani hai. शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपने हमारा गोदरी गार्डन वाला वीडियो देखा है जो कि काफी पॉपुलर हुआ है। उसी तरह से ये स्कल्पचर पार्क भी, ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, ये जगह आप तक पहुंचाने के लिए हमने काफी मेहनत की है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स हमारी चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के हम नई नई जगह, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करके आपके सामने लाते रहें। आयन के रोड में से लायन का मुंह बना है, देखो।
दिस इज मेघावी दुष्यंत फॉर गेट सेट गो एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हरणी पोलिस स्टेशन के सामने, बिल्कुल सामने ये गार्डन है. और मेन रोड से अंदर कैसे आते हैं, क्योंकि कोई साइनिंग बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं. ये हम लोग गार्डन से बाहर वापस निकल रहे हैं. थोड़ा आगे जाके मेन रोड आएगा, जहां से ये देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ये हरणी पोलिस स्टेशन का बोर्ड लगा है, उसको आपको याद करके यहां से एंट्री लेनी है.